अस्सलाम वालेकुम सर। बस सर बढ़िया है सर। बफलिया से 3 किलोमीटर से अंदर जाकर 8 किलोमीटर पर वो कोशाना किए, एक पंचायत पंचायत बी को उसको मुकम्मल करना था, वहां पर वो नहीं पहुंची है। कुछ जमीन को उसने खोदा है और खोद कर ऐसा 2 साल या 3 साल कपल उसको छोड़कर चली आई है। इसके लिए सबसे पहले कवरवरी में एक्सीएम पीएमजीएसवाई साहब के पास में चला जाता हूँ एक डेलीगेशन लेकर के, उनसे मिला, 15 दिन का वादा लिया गया। उसके बाद में 1 महीना या 1.5 महीने के बाद में दोबारा चला जाता हूँ, फिर 1 हफ्ते का वादा किया गया। फिर मैं जनाब डीसी साहब के पास में चला जाता हूँ एप्लीकेशन लेकर के, मेरे पास में सबूत सब मौजूद है। सिर्फ इसलिए कि कोई सियासतदान नहीं है, वो कोई बड़े लेवल का आदमी नहीं है, सिर्फ गाँव की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर उसकी कनेक्टिविटी ही नहीं है किसी जगह से, वो डेवलपमेंट क्या कर पाएगा? मेरे गाँव के बीच में रोड नहीं है, सीमेंट का बैग बफलियाल के 450 का मिलता है। मेरे गांव में जब वो लास्ट डेट तक पहुंचता है तो 850 के आसपास पहुंचता है। तो पिछला काम जारी है सर, राजीव साइड पे पहुंच चुका है, तो जो हमारा पिछली बता है सर कि ये 3 किलोमीटर ट्रैफिक हो जाना है सर, जो रेस्ट 3 किलोमीटर है सर वो पॉसिबल तभी हो पाएंगे कि जब तक हम पॉसिबल एक्विजिशन नहीं करेंगे सर, और हमारे मौजूदा मकाम जितने भी जिला पूंछ के अफसरान हैं, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे सरपंच साहिबान पंच साहिबान या दूसरे जितने भी जी इज्जत को बफलियाल के यहाँ पर तशरीफ रखे, जो डीडीसी साहिबान है इनकी तरफ से जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ का स्वागत कर, करें स्टार्ट। देखिए ये आज का जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है ये हमने बफलियाल में रखा था, जहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे ये बीडीसी के चेयरपर्सन हैं सुमीक मीर साहब, सुहेल साहब हैं और रियाज साहब हैं, ये जब भी मुझे मिलते थे और ये इनका ये डिमांड रहता था कि बफलियाल में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखा जाए, तो मैंने आज डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसरान के साथ जहाँ एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखा। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का जो मेन मकसद होता है वो यही कि लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन किया जाए, उनकी समस्याएं सुनी जाएं और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति क्या फीलिंग है और वो कैसा सोचते हैं उसको समझा जाए। तो जहाँ पर लोगों ने जो अपनी समस्याएं थी उनको भी बताया और अपनी उनकी फीलिंग भी जाहिर हुई, हमें दोनों चीज़ें समझ आई हैं। हमारे ऑफिसर जहाँ आए हुए हैं उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को नोट भी किया है, और वैसे भी हम इसका जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम की जो इश्यूज होते हैं उनको मिनिटाइज करते हैं और उनका फॉलोअप रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो इनके जेन्युइन इश्यूज हैं उनमें हम आगे चलने में आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे, और जब नेक्स्ट पब्लिक दरबार लगेंगे तो उसमें बहुत सारे इश्यूज पे हम कुछ प्रोग्रेस भी किए होंगे। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है इनको अच्छी तरह से जो है वो लोग यूज़ करें, और अभी एक जो हमारे सामने जो इमीडिएट समस्या है वो ये है कि हम ज़्यादा लोगों को बुला नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लिमिट है उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो मेरी अपील रहेगी कि अभी जो है थोड़ा परहेज़ करें, और जहाँ भी ये आए हुए हैं जिन गांवों से और जिन टोन से आए हुए हैं वहाँ जब भी ये वापस जाते हैं तो वहाँ के लोगों से घरों घर अपने पंचायतों में जाकर ये इस बात को हमारा मैसेज दे दें कि अभी कोविड जो है वो टला नहीं और थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है, और आप जितने भी लोग हैं और जितने भी फैमिली के लोग हैं या गाँव के लोग हैं जहाँ टोन के लोग हैं वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और जितने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रखने के लिए ज़रूरियात हैं उनका पालन करें, ताकि हम थर्ड वेव के जो खतरा बना हुआ है उससे किसी तरह बच पाएं।
मेरी ये एक बहुत ही आप कह लीजिए कि ज़ोरदार अपील रहेगी सभी लोगों से और ख़ास करके इलेक्टर रिप्रेजेंटेटिव से और जो रिलीजियस रहनुमा होते हैं कि जब भी वो कोई प्रचार करते हैं या कहीं गांव में जाते हैं या उनके पास लोग आते हैं तो मेहरबानी करके जो हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन का और इनका कंबाइंड काम है तो इसको भी जो है वो लोगों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो पब्लिक में हो सके मेंटेन करके रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।